हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए पीयूष शर्मानी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो क्यूआरएमपी स्कीम का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट। तो आपका जो भी रिटर्न प्रोसेस होता है, इसमें आपको GSTR 1 एंड GSTR 3 भी दोनों आपको क्वार्टरली फाइल करने हैं, ठीक है। फॉर द जैसे कि एग्जाम्पल जैन टू मार्च का, आपको मार्च कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। बट अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे एंड आपके B2B इन्वॉइसेस हैं, तो आप उसको कैसे शो करेंगे? क्योंकि सामने जब तक आप शो नहीं करेंगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपने जैन में B2B इन्वॉइसेस रेस किए हैं, ठीक है, एंड आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सामने वाला क्रेडिट नहीं ले पाएगा। एंड देन आपको तो पता ही है कि GST में जब तक ऑनलाइन रिटर्न टू बी में आपका इन्वॉइस नहीं शो होता है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, IFF एक फॉर्म है, ठीक है, एक GSTR 1 जो है ऑब्लिक IFF उसे बोला गया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी हुई है, ठीक है, जिसमें आपको B2B इनवॉइसेस मंथ के बेसिस पे, एवरी मंथ बेसिस पे आपको अपलोड करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि IFF यूटिलिटी आप कैसे फिल कर सकते हैं। हम ऑनलाइन प्रोसेस कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑफलाइन प्रोसेस भी कवर करेंगे। तो पहले हम ऑनलाइन प्रोसेस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको GST की साइट पे जाना है, GST की साइट GST.gov.in। उसमें आपको आपके प्रोफाइल से लॉग इन करना है। प्रोफाइल पे लॉग इन करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है रिटर्न डैशबोर्ड। तो सबसे पहले आप क्वार्टर एंड मंथ पीरियड आपका सिलेक्ट कर दीजिए। हम जनवरी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जनवरी 2023 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी पीरियड सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने का, ओके, एंड टू ए एंड टू बी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने ऑप्शनल दिया हुआ है। तो ड्यू डेट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप QRMP स्कीम में है तो आपका मंथ फिनिश होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 13 तक आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर्म फिल करना है। ये सेम है जैसे आप GST 1 फाइल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉलर वर्जन है। इसमें सिर्फ कुछ ही डिटेल्स कवर होती हैं जो आप फर्निश कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपको GST 1 में क्वार्टरली क्वार्टरली जब आप GST 1 फाइल करेंगे उसमें शो करना है। तो मैं ऑनलाइन प्रोसेस कवर कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप अंदर फॉर्म में आ जाएंगे, GST 1 ऑब्लिक IFF, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं B2B SEZ एंड DE, ओके, एंड क्रेडिट नोट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप अमेंड B2B इनवॉइसेस अमेंड कर सकते हैं एंड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी आप अमेंड कर सकते हैं। तो IFF में सिर्फ आप ये चार ही डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहेंगी फॉर दैट मंथ, अगर आपके B2C इनवॉइसेज हैं वो आपका GST 1 क्वार्टरली रिटर्न में जाएगा। अगर आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेज हैं वो भी उसमें ही जाएंगे। तो रिमेनिंग जो भी डिटेल्स रहेंगी वो आपके GST 1 क्वार्टरली में जाएंगे फॉर दिस मंथ ऑल्सो, वो क्वार्टरली बेसिस पे रहेगा। और जो इनवॉइसेज आप ये मंथ में जनवरी में यहाँ पे शो कर देंगे B2B इनवॉइसेज में, वो इनवॉइसेज आपको रिपीट क्वार्टरली रिटर्न में नहीं फाइल करना है। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर चुके हैं वो आप रिपीट नहीं करेंगे, जो आपको क्वार्टर का लास्ट मंथ रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले B2B इनवॉइसेस में जाएंगे, यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ है, तो हम पहले ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पूरा टैब ओपन हो जाएगा इनवॉइस डिटेल ऐड करने का। मैं आपको मेरा एक वर्किंग बता देता हूँ, जो मेरे इनवॉइसेस हैं ये मेरे फॉर द मंथ ऑफ इनवॉइसेस हैं, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो जिसमें GST नंबर नहीं मेंशन है ये B2C इनवॉइसेस है, जिसमें GST नंबर मेंशन है वो B2B इनवॉइसेस है। तो मैं इसको B2B में फिल्टर कर देता हूँ। मेरे सिर्फ तीन इनवॉइसेस हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा इनवॉइसेस हैं फॉर दैट मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ में, तो आप ऑफलाइन प्रोसेस से जाने का मेरा एक सजेशन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक इनवॉइस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपने GST नंबर कॉपी कर लिया है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है। आपको इंसर्ट करना है GST नंबर, इनवॉइस नंबर, आपको इनपुट करना है डेट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे आपको ग्रॉस वैल्यू डालनी है, ये हमारा स्टेट ऑफ स्टेट है महाराष्ट्र, वो आपका वैसे भी GST नंबर के फर्स्ट टू डिजिट से ले लेगा। देन आपको इंटर करना है आपका GST रेट,
ये हमारा 12% में है, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, जो आपका नेट वैल्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, एंड जीएसटी नंबर वो खुद ले लेगा यहाँ पे 12% रेट से, एंड इसको आपको सेव करना है। तो हमारा एक इनवॉइस सेव हो चुका है, यहाँ पे डिटेल ऑटो पॉपुलेट आ रही है, बट हमारा रिक्वेस्ट उन्होंने ले लिया है। अभी हम सेकेंड इनवॉइस इंपोर्ट करेंगे। हमने जीएसटी नंबर कॉपी किया, नेम उन्होंने खुद कैच कर लिया, फिर हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, देन डेट, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू। ये हमारा ग्रॉस वैल्यू है, हमारा आईजीएसटी है। इस केस में आपको सिर्फ रेट के सामने टैक्सेबल वैल्यू डालना है, वो आईजीएसटी में खुद ही मेंशन कर देंगे वैल्यू। तो हमारा रेट है 18%, 2 लाख हमारा नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू 2 लाख, और आईजीएसटी अमाउंट है 36,000 जो उन्होंने आईजीएसटी में ले लिया है। ओके, आपको इसको सेव करना है, देन हम इनपुट करेंगे थर्ड डिटेल। हमने थर्ड इनवॉइस का भी डिटेल डाल दिया है, हमारा बी टू बी इनवॉइसेस पूरे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, हम एक बार बैक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि यहाँ पे कुछ उसको अगर एरर रहेगा जीएसटी नंबर पे, तो आपको वो एरर में शो करेगा, अगर प्रोसेस है सब ओके तो प्रोसेस रिकॉर्ड में जाएगा। देन आप इसको रिफ्रेश करके एक बार बैक चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे वो 3 रिकॉर्ड बता रहा है। तो अगर आपको कोई भी इनवॉइस अमेंड करना है जो आप पिछले रिटर्न तक फाइल कर चुके हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना है अमेंड बी टू बी इनवॉइसेस। अगर आपको कोई क्रेडिट नोट वगैरह अमेंड करना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 9C का, अमेंडेड क्रेडिट नोट डेबिट नोट। एंड अगर आपको करंट पीरियड में कोई क्रेडिट नोट वगैरह इंसर्ट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया है उन्होंने 9B। ओके, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो चुका है, हमारे केस में सिर्फ बी टू बी इनवॉइसेस हैं। हम जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू क्लिक रिफ्रेश। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अभी आपको हर एक टेबल का वो समरी बताएंगे, जो भी आपका इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट रहेगा, एक टोटल बेसिस पे वो समरी बताएंगे। अगर इसको आपको पार्टी वाइज देखना है, तो यहाँ पे रिसिपिएंट वाइज समरी पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन वो शो कर देगा, इनवॉइस पार्टी वाइज डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा, एक पर्टिकुलर मंथ में जो भी आपने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे, कोई भी डिटेल हमें चेंजेस नहीं करनी है, तो हम फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। फाइल स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपके पास एक ये रहेगा, वेरिफिकेशन टैब आएगा, जिसको आप सबमिट करना चाहते हैं पहले, तो हम ऑथराइज पर्सन का नाम सिलेक्ट कर देंगे, देन फाइल विद ईवीसी का ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों पे, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे ओटीपी इंसर्ट कर देंगे, जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर आया होगा, इसका मैसेज आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में भी आया होगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस फाइल हो चुका है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था, ऑनलाइन वर्जन जीएसटी का आईएफएफ यूटिलिटी आप कैसे फाइल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।